मीरपुर जिले सहित कस्बों में चल रहे सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शाओं की बढ़ी आगे बाढ़ सी आ गई है और इन्हें नाबालिग बच्चे चलाते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन मार्गदर्शक बनकर अवैध रूप से चल रही ई रिक्शा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जिले के मदोहा कस्बे का है, जहाँ पर सवारी भर अपने गाँव चकदाहा जा रहा ई रिक्शा जैसे ही चकदाहा गांव के नजदीक पहुंचा तो दरवाजे में खेल रही एक 4 वर्षीय मासूम के पास जाकर अनियंत्रित होकर बच्चे के ऊपर पलट गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को परिजन 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना यह हुई कि ई रिक्शा इधर से जा रहा था सवारी भरे और वहां बच्चा खेल रहा था दरवाजे से और उसी में पलट गया उसी बच्चे के ऊपर। फिर क्या हुआ उठा के लेके आए यहाँ अस्पताल गया, घायल अवस्था में। डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी।